14 मार्च 2023 को रांची मोरहाबादी में अनुसूचित जाति के लोग अपनी उपेक्षा के खिलाफ भरेंगे हुंकार। शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने भारी संख्या में लोगों को रांची चलने के लिए किया है आह्वान। कहा 60 लाख अनुसूचित जातियों के मान सम्मान का है सवाल। खबर पलामू जिले के पाटन प्रखंड अंतर्गत कोलियरी मोड़ पड़वा से है, जहां अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा के बैनर तले पिछले 26 फरवरी को रांची डोरंडा स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल से अनुसूचित जाति अधिकार न्याय रथ राजेंद्र चौक पर पहुंचकर सभा करने के बाद आज दूसरे दिन अनुसूचित जाति छात्रावास रेड़मा में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सभा में तब्दील होगी। वहीं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पांकी के तेतरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च विद्यालय के प्रांगण में स्थापित मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए जिला प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग किया है। वहीं दूसरी ओर मेदिनीनगर सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम जोड़ स्थित अंबेडकर चौक पर लगी बाबा साहब की प्रतिमा पर पत्थरों से प्रहार कर प्रतिमा को क्षति पहुंचाने की कोशिश किया है, जिस पर आपत्ति जताते हुए भीम आर्मी जिला अध्यक्ष शशि रंजन भारती ने स्थानीय सदर थाने में मामला दर्ज कर ऐसे असामाजिक व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए जल्द गिरफ्तार करने की मांग किया। वहीं प्रदेश महासचिव नागमणि रजक ने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वाले ऐसे मनुवादियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि सर्वविदित है कि बाबा साहब के संविधान की विचारधारा से ठीक उलट संघ के लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए समाज में जहर घोलने का कार्य करते हैं। भारत में बाबा साहब की मूर्ति पर सबसे ज्यादा हमला संघ के द्वारा ही प्रायोजित होता है। ऐसे में तेतराई व धर्म के नाम पर पांकी की घटना में संघ की भूमिका नकारा नहीं जा सकता है। अभी हाल में ही भड़की सांप्रदायिक हिंसा के पीछे भी ऐसे ही संविधान विरोधी शक्तियां जवाबदेही हैं। इन तमाम मुहिम पर ध्यान आकृष्ट करते हुए नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के 60 लाख से ज्यादा अनुसूचित जातियों की आबादी के साथ भीषण अन्याय पर बिंदुवार व्याख्या करते हुए 22 उपजातियों में बटे अनुसूचित जाति के लोगों को एकजुट होकर रांची चलने का आह्वान किया है। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की ये खास रिपोर्ट। ये लगातार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे बीच नागमणि जी उपस्थित है भीम आर्मी के, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ जो स्थानीय निवासी है जहाँ पे ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो ये घटना का अंजाम दिए हैं, क्या लगता है सर, क्या आप बताना चाहेंगे? हम 22 में बाबा साहेब की मूर्ति लगाए हैं ग्राम जुड़ में। हम सुबह के मरते निकले टहले तो देखे जे चश्मा और कान तोड़ा हुआ है ईंट से। हम प्रशासन के पास आए हैं, प्रशासन से सहारा मांग रहे हैं जे इस तरह के क्यों हो रहा है। और जब हम बाबा साहेब की प्रतिमा लगाए हैं, हम लोग सार्वजनिक मिल के लगाए हैं, तो आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है, इस पर कानूनी कार्रवाई देखते हुए किया जाए ताकि बाद में किसी तरीके का किसी के बीच झगड़ा ना हो। जी बिल्कुल, हमारे बीच नागमणि जी उपस्थित हैं। कल की ही घटना है शायद, पाकी के एक जगह है, शायद कौन सा तेतराई एक जगह है जहाँ पे इस तरीके की घटना घटी है। कहीं ना कहीं लोग जो है समाज में समानता की भाव है उसको लोग उसको छिन भिन करना चाहते हैं। आप पिछली बार भी आपने देखा होगा कि पांकी में जिस तरीके का माहौल खड़ा कर दिया गया, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और वहाँ आप लोग कल गए तो क्या चीज़ें निकल कर आई? देखिए, पलामू ज़िला में जिस तरीके से बार बार इस चीज़ को देखा जा रहा है कि कल ही का घटना आपने जो बताया, पांकी थाना क्षेत्र का तेतराई पंचायत में जहां पर डॉक्टर अंबेडकर उच्च विद्यालय में लगाया गया था पिछले 6 दिसंबर को, उसको भी कुछ मनुवाद विचारधारा के लोग जो हैं उस पर हमला किया और उसको भी उस मूर्ति को भी पूरे तोड़ने का काम किया। अब यहां पर दूसरा घटना लगातार देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जोड़ में, जो पलामू ज़िला का जोड़ है जो सदर थाना क्षेत्र में आता है, यहाँ भी जो है देख रहे हैं कि बाबा साहब को मूर्ति को ईंट में, मुझे फ़ोटो दिखाया है हमारे, तो ईंट से मार कर तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये विचारों का लड़ाई दिख रहा है और इस तरीके की घटना ना हो इस पे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, इस विषय पे निगरानी रखना चाहिए, अपने प्रशासन को थोड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज देना चाहिए कि आप सारे जगहों पे विजिट करते रहिए ताकि इस तरह का घटना जो है नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं
अभी हाल ही में पाकी थाना क्षेत्र में जिस तरीके का माहौल बना दंगे फसाद की, तो वो सारी सिचुएशंस इसमें भी आ सकती हैं अगर इधर उधर हुआ कुछ तो छोटा मोटा। तो इस चीज़ को समझना चाहिए हमारे प्रशासन महोदय जी को। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अच्छी बात इन्होंने कहा कि इस तरीके का माहौल खड़ा ना हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर कार्रवाई ही करना चाहिए और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए ताकि समाज में कोई उन्माद ना फैले, समाज में कोई मतभेद ना पैदा हो। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ, द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए। आज के बाद हम लोग जितने भी जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, कोई आदमी पूछता है आप किस जाति के लोग हैं, हमारी जाति न दुसाद है, न चुमार है, न भैया है, न डोल है, न तोरी है, न रजवार है। इस तरह का जितना भी हम लोग सभी जाति के लोग एक जाति के नाम से, एकल जाति के नाम से हम लोग को जाना जाना चाहिए। आज आप जाति, जब हम लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो हम अनुसूचित जाति लिखते हैं, हमको उप जाति लिखना पड़ता है कि आप किस जाति के हैं। तो कोई लिखता है दूसरा, कोई लिखता है चमार, कोई लिखता है भैया। इससे हम लोग को बचना है। भारत सरकार और राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग की जाति मात्र जो है अनुसूचित जाति की होनी चाहिए। ये लड़ाई जो है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा लड़ने का निर्णय लिया है। चाहे वह नौकरी का मामला हो, चाहे वह किसी भी तरह का मामला हो, आज आप देख लीजिए, अगर आप उठा करके देखिएगा तो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो सारे लोगों को वृद्धा पेंशन भी न्याय के साथ नहीं दिया जा रहा है। कोई न कोई ऑफिसर वर्ग का जो लोग है वो रिश्वत लेकर के पैसे पर बिक करके और हम लोग का जो हक और अधिकार है उसको हनन करने का काम किया, उसको काम करने का काम किया, दोहन करने का काम किया। इसलिए साथियों, आज मैं हाथ छोड़ करके यहाँ पर जितने भी लोग हमारे उपस्थित हैं, ये सारे लोग हम लोग कसम खाएं और कसम खाते हुए हम लोग निर्णय लें कि यहाँ जितने लोग हैं ये सारे लोग अपने अपने टोले मोहल्ले घर में जाए और जाकर के अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा का ये जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जो रथ जो चल रहा है पूरे झारखंड के दौरे पर है, इसको जो है हम लोग चर्चा करें और चर्चा करके और हम लोग जो है एक मिनट होकर के यहाँ से जो है वह 14 मार्च को हम लोग रांची चलने का तैयारी, हम लोग के पास साधन है साथियों। यहाँ से जो है सासाराम से जो गाड़ी खुलती है वो रांची जो है वो 10:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाती है। उस गाड़ी से सैकड़ों लोग किसी का आस मत देखिए, किसी का जो है वो इशारा नहीं समझिए। आप एक बात खाली मन में ठान लीजिए कि चाहे हमको जैसे भी हो, किस हालात में हो, किस परिस्थिति में हो, रांची 14 मार्च को पहुंचना है। इसलिए कि अनुसूचित जाति के लिए प्रसाद चुनार भैया ऐसे सभी जातियों के लिए एक जो है वह बहुत बड़ा जो है वह निर्णय लिया गया है और इस निर्णय को कायम करने के लिए हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आए। यहाँ से हम लोग ट्रेन से चले, पैसेंजर से चले, बस से चले और हम लोग कहेंगे कि जितने भी हमारे लोग हैं ये सारे लोग एक एक दो गाड़ी 5 आदमी मिल करके चंदा इकट्ठा करके और एक गाड़ी लीजिए और उसमें सवार होइए और यहाँ से जो है एक साथ एक दूसरे करके हम लोग रांची जो है वह रांची के लिए प्रस्थान करिए। साथियों, हम लोग के बीच में यहाँ बहुत से भक्तागण मौजूद हैं, हमारे जो है शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी, इनका आगे भी नाम शत्रु और पीछे की नाम शत्रु, ये जो है बहुत ही अच्छे वक्ता है, आज इनको विधानसभा में होना चाहिए, लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं उन्हीं में जो है वह कमी है। हम लोग जाति ढूंढते हैं, क्वालिटी नहीं ढूंढते हैं, इसलिए क्वालिटी पीपल को विधानसभा तक पहुंचाइए ताकि हमारी आवाज जो है वह जो है गूंजे और आवाज गूंजे। जय भीम, जय भीम, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।